आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला पराठा, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत झटपट से बन जाता है। इसको खाने के लिए हमें कोई भी तरकारी भाजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसे अचार या फिर दही के साथ में खा सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए देखते हैं इसके बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने एक कप मैदा ली हूँ, आधा कप मैंने आटा ली हूँ गेहूँ का, तीन टेबलस्पून मैंने दही ली हूँ, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच शक्कर, एक अंडा। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। एकदम अच्छी से मिक्स करेंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर देंगे। और जैसा हम रोटी के लिए डो तैयार करते हैं वैसे ही हमें डो तैयार करना है। ये मेरा डो रेडी हो गया है। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। मसाला पराठा बनाने के लिए मैंने एक टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर ली हूँ, ये आधा चम्मच मैंने चाट मसाला ली हूँ, ज़ीरा पाउडर भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ली हूँ आधा चम्मच, ये मैं बासा का सांभर मसाला ली हूँ आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच से थोड़ा कम। इन सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। ये आटा भी मेरा 10 मिनट तक रेस्ट कर लिया है, रेडी हो गया है। ये मैंने तीन लोई बना ली हूँ और अब मैं रोटी बेल रही हूँ। ये मेरी रोटी बेल गई है। अब मैं इसमें चारों तरफ से अच्छी से घी लगा दूंगी। पूरे में घी लगा रही हूँ मैं। अब इसमें हम अपने मसाले पूरे में छिड़क देंगे। अच्छी तरीके से अब इसे फोल्ड करेंगे। पहले आगे लेके जाएंगे फिर इसको डबल करेंगे। इस तरीके से इसको गोल कर देंगे एक लोई के शेप में।
और इसे हम बेल लेंगे। ये तवा मेरा गरम है, अब इसमें मैं अपना पराठा डाल दूंगी और घी लगा के मैं इसको अच्छी तरीके से सेक लूंगी दोनों तरफ से। आप घी, बटर या फिर तेल भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ घी का यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा पराठा अब तैयार होने वाला है, जब तक हम दूसरा रेडी कर लेते हैं। ये मेरा पराठा अब रेडी है एकदम, अब इसे उतार लेते हैं। दूसरे में भी हम घी लगा लेंगे अच्छी तरीके से पूरी तरफ। और अब हम मसाला अपना उसी तरीके से डाल देंगे पूरे में। कोथमीर डाल देंगे, फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये दूसरा भी मेरा बेल के रेडी हो गया है पराठा। इसको भी हम उसी तरीके से सेक लेंगे, घी लगा के दोनों तरफ। दोनों तरफ से गोल्डन सेक लेंगे। ये मेरा दूसरा भी पराठा रेडी हो गया है। अब इसे मैं अचार और दही के साथ सर्व कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी मेरा मसाला पराठा बन के तैयार हुआ है। आप भी बनाइए, खाइए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।